आज हम बनाने जा रहे हैं मिक्स सब्जी। ये मिक्स सब्जी एक तो तीन चार है, अब अंदर चले गई, मैंने कटिंग किया नहीं मालूम। मैं ना एक हफ्ते की सब्जी ले आती हूँ, यहाँ मंडी लगती है और डेली भी मिलती है, मगर जो मंडी लगती है ना वो गांव से लेके आते हैं लोग, और बहुत अच्छी रहती है। तो इसलिए मैंने ना उनमें से थोड़ी थोड़ी बचा के रखती हूँ जो भी बनाती हूँ डेली, और फिर एक दिन उसको मिक्स वेज बना लेती हूँ। तो इसमें तो सब्जियां हैं, तीन चार हैं ऐसे, तो ये हरे मटर भी डाल रही हूँ और मेथी डाल रही हूँ इसके अंदर। ये जाएगा इसके अंदर तिल का तेल, काजू थोड़े ब्राउन हो गए हैं, और राई थी, जीरा अजवाइन थी और हींग थी। काजू हो गए हैं तैयार, और क्या बोलते हैं, काजू डालने से क्या है ना थोड़ा टेस्ट अच्छा आ जाता है। अब गया इसके अंदर अदरक लहसुन। सारी ये लड़कियां अच्छा नहीं हो ना तो कितनी भी भूखी बैठी हैं वे वहीं छोड़ के भाग जाती हैं, तो इनके लिए थोड़ा करना पड़ता है। और अब जाएगी ये हरे मटर की कटोरी इसके अंदर। हरे मटर सबसे पहले क्यों रखे हैं, क्योंकि ये थोड़े से सगत रहे थे इसलिए इनको टाइम लगता है पकने में, इसलिए इनको मैंने पहले डाला है। ऐसे फूल गए देखिए कैसे। और अब मैं इसमें ये सब्जियां पूरी रख देती हूँ। हाफ कुक होने के बाद मैं इसे हल्दी नमक मिर्ची जो भी है डालूँगी। अब इसमें डाल देती हूँ मैं नमक। नमक आप समझ लेना कितना चाहिए आपको सब्जी में, उतना ही। हल्दी गई है अभी, मैं कभी भी अंदाजे से डाल लेती हूँ, मिंतुल के मुझसे काम नहीं होता। कुछ है ऐसे खाना नहीं तो स्वीट जिसमें मिंतोल के करना पड़ता है, 100 में 85% मेरा ऐसे अंदाज़ा रहता है, मैं कभी नापती नहीं हूँ कि इतना इतना। अब इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं था, तो देखिए कलर अच्छा आया। पानी हो ना तो जो हल्दी नमक है मिर्ची है सब नीचे चले जाता है और पानी के साथ ही उबलता रहता। इसमें पानी नहीं है अभी, देखिए बिना पानी के सब्जी आपने बनानी है, और पानी की बूंद नहीं डालनी इसके अंदर, और ऑयल भी नहीं बहुत हद से ज़्यादा, जितना आप खाते हो उतना ही डालना है। बस नीचे गैस जो चल रही है ना वो आप करेक्ट रख लेंगे ना तब बिना पानी के सब्जी बन जाएगी ये वाली अच्छे से। कोई क्रीम नहीं मैं डाल रही, ऐसे मेरे पास क्रीम बहुत सारी, अभी आधे से ज़्यादा ऐसे लग रहा है कुक हो गई है, तो हम इसमें डाल देंगे लास्ट अपनी सब्जी। पानी बिल्कुल भी नहीं है इसके अंदर, ऐसे नहीं है कि तेल से भरी पड़ी है, तेल भी देख लीजिए नहीं है। बस इसका ना गैस का कमाल है, जो हमने एकदम रखी है मीडियम आंच पे। तो अभी मैं इसके अंदर डालती हूँ मेथी। ये मेथी की मेरी बची हुई थी तो मैं बोला इससे भी बीच में आग रखना है। आप सोचेंगे कि ये मेथी इतनी लास्ट में क्यों डाली, और ये क्या है ना डालते ही देखो कैसे अंदर जाते ही बेचारी की जान निकल गई, इसलिए मैं इसे लास्ट में डालती हूँ। और जब पहले इसको मैं डाल देती ना तो ये जो सब्जियाँ हैं ना सगत सब्जियाँ उनको पकने में उनके आड़े आती तो उनको डिस्टर्ब कर देती ये, क्योंकि ये पहले पक के उनके साथ चिपक जाती है और वो कुक होने में उनको थोड़ा मुश्किल हो जाती है, तो इसलिए मैं इसे लास्ट में डाली। अभी देखे डालते ही इसे ना एकदम जान निकल गई इसकी, बेजान हो गई। तो अभी और 5 मिनट मैं इसे कुक करूँगी, तो सब्जी हमारी डन। इतना ऐसे गैप रखना है, एकदम ऐसे नहीं करना है, इतना रखना है गैप बस। अभी दाल भी बन चुकी है, थोड़ी सी पतली सी दाल बनानी थी मैंने, तो दाल को भी छोटा सा तड़का लगा लूँगी। जीरा अजवाइन और हींग डाली, थोड़ी सी दालचीनी डाली, एक तेज पत्ता और लहसुन डाला है, उससे ज़्यादा नहीं डाला कुछ भी।
हो गई तैयारी। ये अभी देखिए, ये मैडम जी टेस्ट बोलो कितना है दाल। अच्छा अच्छा है। पहली बार खुद अपने हाथ से मिक्स करते हैं। इतना खा रही है देखो, साउथ की लड़की, और ये भी साउथ पर हम है नॉर्थ। और ये है बच्चे की। हाँ, ये घी खाने खाती लड़की, मगर इसका कोई फायदा नहीं है, कितना भी खा ले पतली इसकी जान बस उतनी रहेगी जितनी है। एक उंगली जितनी जान। हाँ। तो मैंने ना सुरिंदर के लिए ये रोटी बना दी थी, तो अभी वो आएंगे फिर खाएंगे खाएंगे। सोनी कुड़िए जाएंगे। हाँ सोनिए जी।